हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपके भी डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है आउटगोइंग कॉलर आईडी हैज़ बीन डिसेबल, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी डिवाइस की सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने पे एक ऑप्शन देखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ मैं सीधे सर्च ही कर लेता हूँ। अगर आपके डिवाइस में सर्च का ऑप्शन है आप भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉल। कॉल सर्च करने के बाद यहाँ पर कॉल सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको भी यहाँ पे कॉल सेटिंग वाले इसी ऑप्शन पे चले जाना है। तो जैसे आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम है एडवांस सेटिंग। तो एडवांस सेटिंग यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो हमें इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, तो इस पे क्लिक कर देते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पे फिर से डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। तो हमें यहाँ पे कॉलर आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है और जो भी कॉलर आईडी है उसको इनेबल कर देना है। तो कहाँ कॉलर आईडी, यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे नीचे आपको दिखेगी कॉलर आईडी, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरी जो कॉलर आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो जल्दी एक बार करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा और देखिए आप थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए वेट लग रहा है और यहाँ पर ये मेरी ऑलरेडी इनेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसको इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने के बाद एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो तो आपको सेकंड मेथड ट्राई करना है। सेकंड मेथड में क्या करना है, आपको अपने डिवाइस में प्रेस करना है, यहाँ पे कॉल करते वहाँ पर #31 #31 #, तो इसको सर्च करना है, इस पर कॉल करनी है। और जैसे इस पर कॉल करोगे आपकी कॉलर आईडी इनेबल या डिसेबल का ऑप्शन आएगा, आपको इनेबल कर लेनी है और आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।